प्रश्न है, क्या बिना जीव के सहारे आत्मा परमात्मा को प्राप्त कर सकती है? देखिए, दोनों का संयोग होना आवश्यक है। आत्मा दृष्टा है, मैंने कई बार चर्चा में कहा है, एक अंधा है और एक लंगड़ा है। अंधा कौन है? जीव। लंगड़ा कौन है? आत्मा। दोनों एक दूसरे को सहयोग दें तो दोनों का काम बन जाए। जागना दोनों को है। यही रस्तर तम का चढ़िया जहर उतारे, निर्विक काया करे जागे जीव करारे। जीव का जागृत होना यानी उसको अपने को निर्विकार बनाना है विरह की भट्टी में तप कर। आत्मा में कोई विकार नहीं है, विकार जीव में है। चितवनी कौन करेगा? पहले चितवनी का प्रारंभ जीव करेगा। आप जब चितवनी में बैठते हैं, कमर में दर्द होता है, तो पीड़ा किसकी होगी? किसको होगी? जीव को। दृष्टा होकर जीव अनुभव कर रहा है, आत्मा को कोई पीड़ा नहीं। क्रोध किसको आता है? जीव को। लोभ मोह अहंकार किसके अंदर है? जीव के अंदर। अब जीव आत्मा बनेगा, बनना चाहता है। जीव जीव का भाव छोड़ चुका है, क्या कह रहा है? मैं परम धाम की आत्मा हूँ, ब्रज में मैं थी, रास में मैं थी, जागनी में मैं हूँ। कौन बोल रहा है? जीव। जीव तारतम ज्ञान का प्रकाश पाकर आत्मभाव को पाना चाहता है, और आत्मा संसार में आकर जीव भाव को प्राप्त हो गई है। आत्मा क्या सोच रही है? ये मेरा शरीर है, ये मेरा नाम है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये मेरा परिवार है। जो जीव सोच रहा था, आत्मा वैसी ही हो गई है। दोनों पर एक दूसरे का प्रभाव पड़ा है। अब जब चितवनी होगी, जैसे जैसे राज्य की सुबह अंदर आती जाएगी, आभास होता जाएगा, जीव के विकार दूर होते जाएंगे, तो जीव को अनुभव होता रहेगा कि ये माया से परे मेरा धाम है। धाम उसका नहीं है, किंतु उसने भावना ले रखी है, अपना समर्पण राज्य को कर रहा है, और राज्य को उसका समर्पण स्वीकार करना पड़ रहा है। इसी प्रकार जब वो विरह में आ जाएगा, अब आत्मा देखेगी कि नहीं, मैं जिस संसार को देख रही थी वो तो झूठा है, मुझे तो मेरा प्रीतम चाहिए। अब आत्मा की लीला यहाँ से शुरू होती है। आत्मा विरह नहीं करेगी, आत्मा रोएगी नहीं। आत्मा के संबंध से जीव में वैसे भाव आते हैं, जैसे आप हाथ में बर्फ रख लीजिए तो हाथ में ठंडक का आभास होगा, हाथ पर अंगारा रख लीजिए तो हाथ जलने लगेगा। उसी तरह से जिस जीव पर आत्मा विराजमान होती है, उस जीव में के लक्षण भी अन्य जीवों से अलग हो जाते हैं। उसके ईमान में दृढ़ता होती है, उसका प्रेम का गुण अवश्य रहेगा, चाहे 100 अवगुण है, लेकिन उसका प्रेम और विश्वास परिपक्व होता है आत्मा के संबंध से। और जैसे जैसे वो राज्य की शोभा को जीव अपने हृदय में बसाने का प्रयास करता है, वैसे वैसे विरह आता जाएगा। विरह में जैसे ही निर्मल हो गया, अब जीव अपना जीव भार छोड़ चुका है। मेरे जीव सुहागी रे, तू क्यों ना करे पीसो पहचान। जीव सुहागिन बन चुका है, वो पहले वाला जीव नहीं रहा। अब वो भी मानता है कि मैं धनी की अर्धांगिनी हूँ, तो राज्य उसके अर्धांगिनी के भाव को थोड़े ठुकराएंगे। अब राज्य भी कह रहे हैं कि जीव, भले ही तू नारायण का अंग है तो क्या, मैं तुझे परम धाम की आत्मा का सुख दूंगा। जिन जीवे किन संग किया ताको करुण मेला भंग, रंगे रमाणु वासना वासना सतको। इसलिए बिना जीव के आप ध्यान कैसे करेंगे? एक बात समझिए, मैंने दृष्टांत दिया, कंधे पर, अंधे के कंधे पर लंगड़ा बैठ जाए और रास्ता बताता चले, दोनों का काम आसान हो जाएगा। अंधे को दिखता नहीं लेकिन उसके पैर मजबूत हैं, वैसे जीव को कुछ पता नहीं, बेचारा अंधा है, तारतम ज्ञान का प्रकाश नहीं, पैरों से चलना जानता है। चितवनी में किसका शरीर काम आ रहा है? जीव का। आत्मा तो दृष्टा है, आत्मा उसके कंधे पर सवार होकर बता रही है, तुझे ऐसा करना है, देख जीव, तुझे समर्पण अपने अंदर भरना है, राज्य के प्रति अटूट विश्वास भरना है, अपने हृदय को कोमल बनाना है और उनकी शोभा को अपने दिल में बसाना है। ये किसके प्रभाव से हो रहा है? आत्मा के प्रभाव से। जिस जीव पर आत्मा नहीं है, वो जीव निष्ठुर रहेगा, उसके हृदय में प्रेम की भावना नहीं रहेगी, वो समर्पण की भाषा नहीं जानेगा। इसलिए
कोरे जीव कभी चितवनी के मार्ग पर चल नहीं पाते। चितवनी कौन करेगा? जिसका हृदय निर्मल हो चुका है, जिसके हृदय में प्रीतम की प्यास है। इसलिए दोनों का योगदान होगा। और जीव शरीर के बिना जीव भी नहीं है, शरीर है तभी तो जीव ध्यान करेगा, तभी तो परमात्मा को पाने का प्रयास करेगा। शरीर से अलग हो जाने के बाद जीव भी असहाय है। इसलिए संसार में हर वस्तु की कीमत है। आप के शरीर में 80 किलो मांस है, एक 2 ग्राम नाक से आगे का मांस काट दीजिए, क्या होगा? आपका सारा चेहरा बिगड़ जाएगा। एक नाखून है, नाखून को निकाल दीजिए, सबका नजर उसी पर जाएगी, एक नाखून का क्या हो गया? बाल है, बाल ज्यादा बड़े हो गए तो आफत, किसी के बाल झड़ गए तो हर कोई, बाल जिस बाल को काट कर फेंकना होता है, जब वो झड़ जाते हैं हर कोई टोकेगा, अरे भाई तुम्हारे बाल कहाँ झड़ गए, आप लाखों रुपया खर्च कर देते हैं। दांत टूट गए तो भी आफत। हर अंग की कीमत है। संसार में कोई भी वस्तु निरर्थक नहीं है, इस बात को ध्यान में रखिए। इसलिए किसी व्यक्ति को, किसी भी वस्तु को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। जीव नहीं रहेगा, आप कह देते हैं ना, अरे क्या है, सारे जीवड़े हैं और हम क्या हैं, ब्रह्म सृष्टि। यदि जीव न हो तो आप ध्यान कैसे करेंगे? आप एक दृष्टांत समझिए, पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है सूरज, सूर्य प्रकाश नहीं देता है तो क्या होगा? पृथ्वी का जीवन समाप्त हो जाएगा, पेड़ पौधे समाप्त हो जाएंगे। इतना बड़ा सूरज कितना भी उगा हो, घने बादल उगाए तो सूर्य का प्रकाश समाप्त, हवा बह जाए तो घने बादल कहीं नहीं ठहरेंगे, घने बादल भी उड़ जाएंगे। और हवा बर के पेड़ को तो उखाड़ देगी, एक मूज के छोटे से पौधे को नहीं उखाड़ सकती। और जिस मूज के छोटे पौधे को हवा नहीं उखाड़ सकती, एक चूहा जरा से खोद खाद करके वो उसको उखाड़ करके फेंक देगा। तो एक छोटा चूहा कहीं ना कहीं योग तो रखता है इस बड़ी सृष्टि में। इसलिए हमें किसी को भी तुच्छ समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए, उसकी उपयोगिता पर ध्यान देना चाहिए कि सर्वशक्तिमान परमात्मा की सृष्टि में कुछ भी बनाए किसी विशेष प्रयोजन से बनाए।